जो फिसर के पेशेंट्स रहते हैं, एनल फिसर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए क्या क्रीम आती है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा, राइट। तो फिसर में होता क्या है, जो मल द्वार है एनल कैनाल में, म्यूकोजा के अंदर कट लग जाता है, राइट। और म्यूकोजा के अंदर कट लगने से जो स्फिंक्टर होता है, जो दरवाज़ा होता है, जिसको हम लोग इंटरनल एनल स्फिंक्टर बोलते हैं, वो टाइट हो जाता है। इससे ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होती है और जो पेशेंट्स हैं उसका वो जो कट है म्यूकोजा में वो हील नहीं होता। और दूसरा ये कि ऐसे पेशेंट जिनमें कब्ज की प्रॉब्लम है, स्टूल का या तो साइज बड़ा हो जाए या स्टूल हार्ड हो जाए, तो स्टूल पास करते समय भी उस फिसर में बार बार चोट लगती है और वो घाव भरता नहीं और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए क्रीम होगी, क्रीम भी लगाना है, साथ में ऐसी चीज़ें भी करना है जिससे जो स्टूल है वो आसानी से पास हो, राइट। तो ये जो क्रीम होती हैं ये इस तरह से बनी रहती हैं, इसके अंदर ऐसे फार्मूले रहते हैं, कंटेंट रहता है जो कि स्फिंक्टर को भी रिलैक्स करता है और दूसरा इसके अंदर जो दर्द रहता है उस दर्द को भी कम करे। तो स्फिंक्टर को रिलैक्स करने के लिए जो क्रीम आती है उसमें होता है 0.2% नाइट्रोग्लिसरीन, राइट। नाइट्रोग्लिसरीन इसको डायलेट करता है। तो ऐसी क्रीम जिसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन होता है वो क्रीम तो है नाइट्रोजेसिक क्रीम है, जिसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन है, इसको लगाएंगे तो स्फिंक्टर रिलैक्स होगा और जो फिसर की प्रॉब्लम है उसमें हीलिंग में मदद मिलेगी। एक दूसरी क्रीम का नाम बताऊं तो वो है मायोविन रेक्टल आइंटमेंट है, उसके अंदर भी नाइट्रोग्लिसरीन होता है, राइट। तो ये नाइट्रोग्लिसरीन हो गया। अब एक क्रीम है जो काफ़ी पॉपुलर, उसका नाम है फिडोनल आइंटमेंट, राइट। फिडोनल के अंदर क्या है, एक तो निफिडिपिन होता है जो कि स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है और दूसरा इसके अंदर लिडोकेन होता है, लिडोकेन से दर्द नहीं होता और जो निफिडिपिन है उससे डायलेशन होता है। तो ये बहुत अच्छे से काम करती है, दर्द में भी काम करेगी और चूँकि स्फिंक्टर रिलैक्स होता है तो थोड़े दिनों बाद घाव भी भरता है, राइट। तो ये फिडोनल भी अच्छी क्रीम है। और एक और मैं क्रीम बताऊँ, क्रेमा जेल है, राइट। अब क्रेमा जेल के अंदर क्या है, इसके अंदर होता है 2% डिल्टाइजिम, डिल्टाइजिम भी एक तरह का स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है। ये भी ब्लड प्रेशर की दवाई, एक तरह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जैसे निफिडिपिन होता है वैसे डिल्टाइजिम भी होती है। तो इसको भी लगाने से स्फिंक्टर रिलैक्स होगा। तो ये चार मैंने क्रीम बताई हैं जिनके अंदर ये फार्मूले रहते हैं। आप दूसरी कंपनी के भी सेम फार्मूला की क्रीम आप लगा सकते हैं सुबह शाम, इससे स्फिंक्टर भी रिलैक्स होगा और दर्द है वो भी कम होगा। इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि ये सिर्फ फिसर में काम आएंगी, ये पाइल में काम नहीं आएंगी जो हीमोराइड की प्रॉब्लम होती है, ना ही कोई फिशुला हो जाए, ना कोई एनल जो कैनाल है या गुदा द्वार के आसपास जो फोड़े बन जाते हैं, जो एप्सिस की प्रॉब्लम है उसमें काम नहीं आएगी। उसमें तो एंटी माइक्रोबियल चाहिए, एंटी बैक्टीरियल चाहिए, पाइल में दूसरी तरह की दवाई। ये सिर्फ फिसर के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें काम आती है कि नाइट्रोग्लिसरीन हो उसके अंदर, लिडोकेन हो, निफेडिपिन हो या डिल्टाइजिम हो। तो फिडोनल काफ़ी अच्छा एक क्रीम हो जाएगी ऐसे पेशेंट के लिए, या क्रेमा जेल अच्छी क्रीम हो जाएगी, या नाइट्रोजेसिक क्रीम है। ये मैंने चार बताई, इनमें से आप कोई भी लगाएं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि फिशर के पेशेंट अपने खान पान में ज़रूर ध्यान रखेंगे कि स्टूल हार्ड नहीं होने पाए, ज़्यादातर केसेस में इसी कारण से ये प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से दिनचर्या अपनाएं तो बिल्कुल फ़ायदा होगा।